हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में तो चलो चौगरदा की खबर की शुरुआत करांगे आज की अहम खबर की गिलिया जुकर आप सब ने बेरा से के प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जाने लाग रहा है। पहला तो लोग बागा की खबर आय कर दी कि वे कोरोना तो संक्रमित होने लाग रहे है, लेकिन नीब ताप देखो जनप्रतिनिधि मारे नेता सांसद भी कोरोना तो पॉजिटिव पाने लाग रहे हैं। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल भी कोरोना तो पॉजिटिव पाए गए से गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती हुए से, हालांकि हालात उनके फिलहाल ठीक ठाक बताई जाने लाग रही है। तो हमारी इस रिपोर्ट में देखोगे कि कुर आंकड़ा लगातार बढ़ता जाने लाग रहे है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के ये आंकड़े उस टाइम तक आ रहे थे जब प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाने खातर वीकेंड लॉकडाउन के आदेश दिए गए थे। अगर बीते दो दिन की बात करें तो हर दिन प्रदेश में 1000 से घने कोरोना के नए मामले सामने आए थे। इस अदृश्य दुश्मन ने अड़ान खातर प्रदेश सरकार केंद्र की गेला गेला कंधे तक कंधे मिलाकर काम करने लाग रही है, लेकिन ये कोरोना ने मात देने खातर कोरोना वॉरियर्स की गेला गेला रणनीति बनाने वाले राजनेता भी कोरोना रडार से बच नहीं पा रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम सबसे ऊपर है। केंद्र की गेला मिलकर राज्य सरकार कोरोना के खिलाफ जंग की रणनीति बनाती रही, लेकिन कोरोना के नए मामले में इजाफा होता रहा कि आमर के हाथ हर कोई इसकी चपेट में आ गया। प्रदेश में भी कोरोना के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाई गई, लेकिन आड़े बीच अदृश्य दुश्मन ने राजनेता अपनी लपेट में ले लिए। कुछ दिन पहले एसवाईएल पर दिल्ली में हुई बैठक में शामिल होकर लौटे सीएम ने खुद को क्वारंटीन कराया है। जांच करने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद सीएम ने गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती होने की बात कही है। कोरोना की चपेट में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी हैं। कोरोना ने जड़ता मिटान खातर पूरी दुनिया वैक्सीन की खोज में जुट रही है। इसे में आम लोगों की जिम्मेदारी बने से कि वे कोरोना संक्रमण ने रोकने खातर जागरूक रहे। हरियाणा न्यूज बार बार अपने दर्शकों से यही अपील करे से कोरोना के खिलाफ इस टाइम सबसे बड़ा हथियार सही जानकारी और जागरूकता से संयम रखो, सुरक्षित रहो। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मॉनसून सत्र के बारे में सारे तक जानकारी दी है। इब जुकर हरियाणा के सीएम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए से तो न्यू है गहमा गहमी चल रही से अक यो सत्र होगा कि नहीं होगा। तो सत्र की अवधि न लेकर उन्हें न्यू बताया से अक सत्र की अवधि बतय कोन्या से, इस पर अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का होगा। तो वहीं कोरोना ने लेकर उन्हें बताया से कि पूरी तैयारी हो रही से और बिना टेस्ट के कोई भी सदन में एंट्री नहीं हो पाएगा। सत्र मानसून सत्र जो अगस्त 2020 का हमारा है उसकी हमने पूरी तैयारियां कर ली है और कल यानी 26 तारीख से वो सेशन शुरू होगा। सेशन कितने दिन का चलेगा ये डिसाइड कल की जो मीटिंग है बीएसी की उसके अंदर होगा, और इसके लिए हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि आज कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है वो आई हुई है, उसके तहत पूरे उसके जो मापदंड है उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो हमारे दर्शक दीर्घा है उसके अंदर और जो स्पीकर गैलरी जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर अभी हमारे एमएलएज बैठेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग हमारी बनी रहे। और इसमें अभी जैसे हमने एहतियात के लिए कोई किसी प्रकार की इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो इसलिए माननीय स्पीकर साहब की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि सभी हमारे जो विधायक है, मंत्री है, सीएम साहब है, सबका कोरोना टेस्ट होगा। और अब तक तमाम जो 90 के 90 हमारे विधायक मंत्री आगे इसमें सारे तो उनका टेस्ट हो चुका है। कोरोना टेस्ट के सदन में किसी भी को भी उसके अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी,
सारे टोटली हमारे जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन सभी का कोरोना टेस्ट हो चुका है और हमारे विधानसभा के भी 6 जो कर्मचारी है उनका कोरोना पॉजिटिव आया था। टोटल जितने जो हमारे अंदर जो कर्मचारी 365 टोटल जो है हमारा जो अभी वहां के जो कर्मचारी अधिकारी है उनका कोरोना टेस्ट हो चुका है। मॉनसून सत्र ने लेकर विपक्षी पार्टी लगातार सरकार ने घेरने की तैयारी करने लाग रही है। इससे बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और उनका न्यू कहना से जुकरे मॉनसून सत्र होगा वे तमाम मुद्दे उठावेंगे और देखो के में कहने लाग रहे। कोरोना काल में हो रहे सत्र को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। ये सत्र कल से शुरू होगा। कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है ये जानेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। हुड्डा जी इस समय हमारे साथ हैं। हुड्डा जी ये बताएं कि आज आपकी बैठक हुई है, क्या फैसले लिए गए? नहीं, बहुत सारे जो मुद्दे हैं ध्यान आकर कॉलिंग अटेंशन दिए हैं हमने, एडजॉर्नमेंट मोशन दिए हैं, रेजोल्यूशन दिए हैं। पूरी तरह से तैयार है क्योंकि जो ये इतने घोटाले हो रहे हैं उनका पर्दाफाश करना है। कर्मचारी हैं, परेशान हैं, पीटीआई का मामला है, कर्मचारियों का मामला है और कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, जिस प्रकार से आज हरियाणा की स्थिति, वो सारे मुद्दे हैं, पूरी रूप से तैयार है। ये जो माहौल बन रहा है सत्र के एक दिन के होने की संभावनाएं या आशंकाएं जताई जा रही हैं, ऐसे में आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे आप उठा पाएंगे? देखिए कल बीएसी से पता लगेगा, लेकिन माहौल तो ऐसा ही बन रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे और मेरी शुभकामनाएं जल्दी ठीक हों, स्पीकर साहब के लिए भी शुभकामनाएं हैं और भी साथी हैं उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस माहौल में जब नहीं हो तो मैं नहीं समझता जितना काम होना चाहिए था उतना हो पाएगा। तो अब कल बीएसी फैसला करेगी कि आया सेशन 2 दिन चले या 1 दिन चले, लेकिन मेरे को लगता नहीं 2 दिन चलेगा और सरकार को भी जो है जो बिल विल है कोई जरूरी ऑर्डिनेंस का है उसका बिल लाना हुआ वो ले आएंगे, जो संविधानिक को है बाकी जाके ले जाएंगे। खुड़ा साहब आप इस समय सदन में मुख्य विपक्षी दल हैं कांग्रेस जो है, क्या आप सहमत हैं एक दिन के सत्र से? नहीं सहमत और ऐसे मुख्यमंत्री नहीं, सहमत तो नहीं हूँ लेकिन मजबूरी है, अगर वो हालात देखेंगे और हो सकेगा तो करेंगे। सर ये बताएं एक दिन में ये जितना कार्य है एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। सर ये बताएं कि जिस तरह से ये आपसे राय ली गई है कोई एक दिन का सत्र करने को लेकर? अभी चर्चा हुई है, अभी फैसला नहीं हुआ। फैसला करो। ये बताएं सर कि जिस तरह से कांग्रेस ने आपने कोई सवाल दिए होंगे, आपके सदस्यों ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए होंगे और दूसरी बात प्राइवेट बिल लाने की भी आपने बात की थी पीटीआई टीचर्स को लेकर, उनका क्या स्टेटस है, क्या वो आपने सम्मिलित करवा दिए हैं विधानसभा सचिवालय में? दे दिए, अब कितना क्या होगा वो लगेगा, समय पे भी बात है ना। प्राइवेट बिल दिया है आपने? दिया है, प्रस्ताव दिया है। सर एक और बात है कि आज जो बैठक में सोनिया गांधी जी को 6 महीने के लिए जो प्रधान बनाए जाने की बात है उसका क्या प्रस्ताव पास किया गया? नहीं सोनिया जी ने जो है सोनिया जी का आभार जताया पूरी सीएलपी ने जो उन्होंने फिर स्वीकारा है ये, क्योंकि उनके नेतृत्व में सबका विश्वास। शुक्रिया। तो ये है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बता रहे थे कि जो सत्र इस काल में संक्रमण के काल में हो रहा है, हालांकि छोटी अवधि है लेकिन माहौल को हालात को देखते हुए जैसा फैसला बीएसई लेगी वे उससे सहमत होंगे। कांग्रेस ने अपने कई सवाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और प्राइवेट बिल पीटीआई टीचर्स को लेकर जो है वो विधानसभा सचिवालय में दिया है। हालांकि बीएसई की बैठक के बाद यदि सत्र एक दिन का होता है तो कितने सवाल लग पाते हैं, कितने प्रस्ताव जो है कांग्रेस के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लग पाते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन कांग्रेस की तैयारी सत्र को लेकर पूरी है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। के प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। अनलॉक 3 के चलते उम्मीद जताई जा रही थी कि आंकड़ा नहीं बढ़ेगा लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और रतिया की अगर बात करें तो जिले में 700 के करीब
कोरोना पॉजिटिव मामले शामी आए सर रतिया में 185 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई सर। 134 के करीब मरीज कोरोना ने मात देकर घर पहुंचे सर। तो वहीं देर रात आई कोरोना की रिपोर्ट में रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा कोरोना पॉजिटिव पाए गए सर। मंगलवार तड़के की रिपोर्ट में बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलदेव गिर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए सर, जिसने लेख है स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। कोरोना काल के एक लंबे टाइम बाद सरकारी दफ्तर खुले सर। इसे मन उम्मीद जताई जा रही है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी से वे अपना काम दिलो शिद्दत तक करते होंगे, लेकिन नारनौल के पंचायत भवन स्थित आरटीओ कार्यालय में सीएम फ्लाइंग दस्ते ने छापेमारी करी और आड़े दफ्तर में 21 मतचार कर्मचारी मौजूद मिले। उड़न दस्ते के अधिकारियों ने हाजिरी रजिस्टर की फोटो अपने मोबाइल में ले ली। इसके बाद फाइलों की जांच करी तो फाइल मात अधूरा काम पड़ा पाया और कंप्यूटराइज न करने की बात सामी आई। सीएम फ्लाइंग टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी संदीप गुलिया ने बताया के आरटीओ कार्यालय के जो कर्मचारी से वे कोना पाए उन्हें अरुण ने लगातार इस कार्यालय में तय खबर आने लाग रही थी कि आड़े के जो कर्मचारी से वे अपनी सीटा तक नदार मिले सर, कोई काम नहीं हो रहा। आज हम मौजूद हैं नारनौल के आरटीओ ऑफिस कार्यालय में, जहां आज सीएम फ्लाइंग यानी सीएम उड़न दस्ता ने सुबह 9:30 बजे यहाँ पर दस्तक दी। दस्तक का जो मुख्य कारण था, यहाँ से लगातार मिल रही शिकायतें यहाँ जो है मुख्य कारण था कि यहाँ पर लोग समय पर उपस्थित नहीं होते और यहाँ पर जो काम है उसके लिए उनके जो है लगातार शिकायतें जा रही थी। उसको लेकर डीएसपी संदीप गुलिया की नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और वो टीम 9:30 बजे सुबह यहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद जो यहाँ पर चेक करती है, अटेंडेंस रजिस्टर सबसे पहले चेक किया जाता है। अटेंडेंस रजिस्टर में जो है 21 आदमी टोटल जो है यहाँ पर वर्किंग है 21, और उनमें से 4 लोग यहाँ पर जो है सुबह 9:30 बजे अपनी अटेंडेंस लगाकर यहाँ पर मौजूद मिलते हैं, बाकी लोग यहाँ मौजूद नहीं मिलते। उसके बाद लगातार अभी जैसे कि 12 बजे का समय हो रहा है, टीम लगातार यहां पर कागजों की जो है जांच कर रही है। डीएसपी संदीप गुलिया से हमने इस मामले में बातचीत भी करना चाहा तो उन्होंने सिर्फ इतना कह के जो है यह कहा कि अनियमितताओं की जांच करने हम यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अभी कोई भी चीज जो है पूरी जांच से पहले बता पाना मुश्किल होगा। अब देखना यह होगा कि जो टीम एक तो कोरोना की मार और ऊपर तो लगातार जो तमाम वर्ग से वो महंगाई ते भी लगातार नुकैन लाग रही है कि एक तो समस्या कोरोना की थी लेकिन दूसरी समस्या महंगाई की भी आने लाग रही है। इब लगे हाथा सब्जियां भी महंगी होगी से, मारे इस रिपोर्ट में देखो। मानसून के मेहरबान होने पर एक और खरीफ फसलों की बंपर पैदावार होने की उम्मीद करी जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश और बाढ़ के कारण हरी सब्जियां की किल्लत है, इनके दाम आसमान छू रहे हैं। बीते 2 महीना में ज्यादातर सब्जियां 2 से 3 गुना महंगी हो गई है और बरसात से देश में बने हालात के बीच सब्जियां की महंगाई तो फिलहाल राहत की उम्मीद के आसार में दिखने लाग रहे हैं। इस महीने हरी सब्जियां की गिले गिले आलू और प्याज के दाम भी काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। सब्जी बाजार में बहुत महंगी है, सोच समझ के लेनी पड़ती है। जो 2-3 टाइम की रोज सब्जी बनती थी आज 2 टाइम का बना रहे हैं, तो बहुत महंगी है। काम धंधे है नहीं। सब्जी सर 60 रुपए जेब में लाए थे और ये देखो कह रहे हैं 60 रुपए किलो टमाटर है, 60 रुपए किलो टमाटर है। सर बताइए बंदा क्या खाएगा क्या करेगा, हम लोग तो हवा पानी पे ही जिंदा है। देश के कई हिस्से में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात के चलते हरी सब्जियां की आवक घटने से इनकी कीमतों में भारी इजाफा हो गया। आलू प्याज टमाटर समेत तमाम हरी सब्जियां के दाम आसमान में चढ़ गए। दिल्ली एनसीआर में बैंगन घिया और तोरी भी 50 रुपए किलो मिल रही है। फूल गोभी 120 रुपए किलो तो शिमला मिर्च 100 रुपए किलो हो गई है और प्याज जो 20 रुपए किलो मिल रहा था वो 30 रुपए किलो तक ऊंचे भाव पर मिलने लग गया। टमाटर जिसने किसान जून महीने में औने पौने दाम पर बेचने में मजबूर थे, इस टाइम दिल्ली एनसीआर के मार्केट में 60 से 70 रुपए किलो ग्राहक ने मिलने लग रहा था। त
तब्बात पेट्रोल की करात सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार ने एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने मिला और यूं लगातार छठा दिन से जब पेट्रोल के बावड़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा हो गया और 81.73 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि डीजल की कीमत में पिछले 24 दिनों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। आपने बता दें कि सोमवार ने दिल्ली में पेट्रोल का दाम फिर से 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। आजकल जो हालात बन रहे थे उन्हें देखते हुए एक ही गाना याद आ रहा है, महंगाई ने तय आगे गाना सुनो। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। तेनुए हरियाणा के अलग अलग जिले की बात करा तो दो दिन के लॉकडाउन के बाद अड़बी साग सब्जी महंगी नजर आ रही है। आपने फतेहाबाद की बात बताने लग रहे सा अड़बी सब्जियां की कीमतों में घना उछाल आया है। देश के विभिन्न हिस्सा में हो रही भारी बरसात और लॉकडाउन के कारण महंगाई एक बार फिर आसमान छूने लगी से आलात न्यूज है कि दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली हरी सब्जी के दाम भी बढ़े से टमाटर प्याज आलू जैसी सब्जियां के दाम में भारी उछाल आया से पहले दिन 30-35 रुपए प्रति किलो की दर तक बिक रहा टमाटर 50-60 रुपए के बीच बिकने लग रहा है। प्याज के दाम भी बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो के लगभग दर हो गए और आलू भी पाछ नहीं से लसन अदरक हरी मिर्च नींबू जैसे किचन में रोजमर्रा में काम आने वाली सब्जियां के दामा में भी 30-35% तक का इजाफा हो गया। हरा मटर गोभी शिमला मिर्च आम आदमी तो दूर पहुंच गया सा। हरे मटर 200 रुपये प्रति किलो तो शिमला मिर्च 100 रुपये प्रति किलो की दर तक बिकन लाग रही है। टमाटर 50-60 रुपए चली है, शिमला 80-100 चल रही है सर। और ये मटर अदरक वगैरह सर 100-120 रुपए, मटर 160 रुपए चल रही है सर। क्या वजह है इतना में बढ़ने की? सर बरसात के कारण सर। ये अभी दो दिन का लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से भी बढ़ी है? नहीं सर उससे कोई फर्क नहीं है, खेत में पानी भर गया तो सब्जियाँ सड़ गई ना सर जी, इसी वजह आ नहीं रहा पीछे माल नहीं आ रहा। तो लोगों को भी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा सर, सब्जियाँ मिल ही नहीं, महंगाई तो होगी, जेब खर्च बढ़ेगा। तो जी इन दिनों जो बरसात का सीजन चल रहा है उसको लेकर के लगातार सब्जियों के दामों में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आज जो है सब्जियों के दामों में लगभग 30-35% के आसपास जो है वृद्धि दर्ज की गई है। टमाटर इस वक्त जो है बढ़कर 50-60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में खुदरा मार्केट के अंदर बिक रहा है। साथ ही प्याज के दाम भी जो है बढ़ने लगे हैं, 25-30 रुपए के आसपास इसके दाम पहुंच चुके हैं। शिमला मिर्च की बात की जाए 100 रुपए के आसपास जा रही है, अदरक भी लगभग 125 रुपए के आसपास जो है रेट बना हुआ है। इससे जहां एक और महंगाई को लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं लोगों के घरों का जो बजट है, किचन का बजट कहें, वो भी बिगड़ गया है एकदम से। जो रेट 30% के आसपास जो बढ़े हैं, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो सब्जी विक्रेता है उनके लिए भी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि एक ही दिन एक या दो दिन के अंदर जिस तरह से रेट दाम बढ़े हैं तो लोगों को बताना भी मुश्किल हो पा रहा है। सब्जियों के दाम बरसात के पानी की वजह से भी बड़े हैं, क्योंकि खेतों के अंदर वाटर लॉगिंग हुई है और सब्जियां खराब होने लगी हैं, इस वजह से जो सब्जियों की आवक भी कम हो चुकी है। फतेहाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए अजय। तो फिलहाल बुलेटिन में इतनी खबर से बने रही हरियाणा न्यूज के गिल्ला। राम राम सारा ने।